हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एक्सरसाइज 4.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है ये मैंने बताया था कि जितने भी मतलब जो बड़े नंबर होते हैं काउंटिंग में उनको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है आपको तो उस नंबर को आपको जो पावर आप देते हो, अगर आपको 10,000 लिखना है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 10^4। इसका मीनिंग क्या होगा, 10^4 मतलब 10,000 है। आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, 10 × 10 × 10 × 10। ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिखने से अच्छा है कि आप 10^4 लिखो तो अगले सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि ये 10,000 है। जैसे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, द वेट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े डिजिट की होती है और ऐसे चीज़ों को शो करने के लिए आप इस एक्सपोनेंट फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है। अब इसके डिपेंडेंट क्वेश्चन आंसर में हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसका बेस क्या है और उसका एक्सपोनेंट क्या है ये भी लिखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अभी आपने 1 और 243 देखा है, आपको पता है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 ही आने वाला है। अभी यहाँ पे 243 है, अब इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको यूज करनी पड़ेगी इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाने के लिए। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको पता है 2 से लेकर 10 तक 11 तक मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको बताइए कि जैसे यहाँ पे देखिए 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, टोटल 9 आती है। इस डिजिट की टोटल कितनी आती है, 9 आती है, मतलब इस नंबर को 3 से डिवाइड होता है। आपको 3 से इस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक ये कंप्लीटली जीरो नहीं आता, तो करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर 243 / 3 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, मतलब यहाँ पे 3 ये क्या है, 0 आया, मगर यहाँ पे क्या है 81, फिर 81 को 3 से कीजिए। ऐसे करते करते जब आप जाएंगे, देखिए जैसे 81 को मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 3, 7 × 21, अब आया 27, एक बार दो बार, अब 27 को 3 से करके देखिए, 3 × 9 = 27, ये तीसरा 3, अब 9 को 3 से करके देखिए, 3 × 3 = 9, 4, और अभी आखिरी जो 3 है इसको 3 से करके देखिए, 3 × 1 = 3। इस तरीके से 3 कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने बार आया है 3, 5 टाइम्स आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पर आपको अंदाजा लगाना है कि इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा वो एक तो 3 से डिवाइड होता है इस वजह से 3, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितने टाइम आया है, 5, ये भी इसको तो कितने भी मल्टीप्लाई करो तो 5 आने वाला है। इन दोनों का एक्सपोनेंट जो आएगा वो 5 है। क्यों आएगा, मैंने डिवाइड करके आपको बताया, 3 से जब आप इसको नंबर को डिवाइड करते जाओगे जब तक कंप्लीट 3 आता नहीं, 5 टाइम्स आया है। इस तरीके से आप 143 को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 × 3 मतलब आप इसको शो भी कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, फिर ये 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1। देखिए 3 × 9 = 9, 9 × 27 = 27, 3 × 81 और 81 × 3 = 243। तो 1 का तो वही रहेगा। इस तरीके से इस नंबर का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसका लिखना क्या है हमको, बेस मतलब ये बेस है, इसका बेस क्या आएगा, बेस 1/3 इसका बेस है और इसका एक्सपोनेंट आएगा 5। एक्सपोनेंट क्या है इसका, 5। इस तरीके से किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, उसका बेस अलग लिख सकते हो, उसका एक्सपोनेंट भी आप अलग लिख सकते हो। फिर एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये जो एग्जांपल आपके सामने है, अगर आपको क्यूब पता है, क्यूब जिस तरीके स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसी तरीके से 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 क्यूब मतलब 3 टाइम। किसी भी नंबर को 3 बार एक खुद इटसेल्फ अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे
तो जो आने वाला आंसर है वो उस नंबर का क्या होता है, क्यूब होता है। जैसे कि अभी एक है 2 × 2 × 2 × 4 = 8, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 तीन टाइम मल्टीप्लाई किया तो आता है 8, तो 8 ये 2 का क्या है क्यूब है, हमको समझ में आ गया ये क्या का क्यूब है, 2 का क्यूब है। और 720 ने आपको क्यूब पता होना चाहिए, क्योंकि जब नंबर आप देखते हो एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना पड़ेगा या तो फिर आपको डायरेक्टली अगर पता हो, ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं था, इस वजह से मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबिलिटी मतलब सॉल्व करते करते गया हूँ। यहाँ पे 729 मुझे पता है ये 9 का क्यूब है तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये 2 का क्यूब है ये 9 का क्यूब है, क्यूब मतलब 3 times, मतलब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा -2/9 3 क्यूब, क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ही डायरेक्टली 8 आ जाएगा, अगर ये 3 टाइम में आ रहा है ऑब्वियसली ये भी 3 टाइम में आ जाएगा, तो इसका बेस आएगा -2/9, ये बेस है और 3 एक्सपोनेंट। देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूं एक बार, मैंने क्या किया यहां पे, इसको 3 से डिवाइड किया और तब तक डिवाइड करते गया जब तक ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो मुझे 3 को 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर आने वाला है। यहां पर ये चीज मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि -8 और 729 ये किसी ना किसी नंबर के क्यूब है, मुझे पता था ये काय का क्यूब है 2 का क्यूब, ये काय का क्यूब है 9 का क्यूब, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अगर आपको क्यूब याद है तो आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, बेस ये हो गया बेस और ये जो एक्सपोनेंट है ये यहां लिख दिया। इस तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए आप, सिंपल देता हूं, अगर आपको पता हो 225 256, इस नंबर को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसका बेस क्या आएगा उसका एक्सपोनेंट क्या है वो भी आपको निकालना है। अब नेक्स्ट यहां देखते हैं कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर मतलब आपको ग्रेटर स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर को दिखाना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, कंपेयर करना है दोनों में। देखिए 2 का पावर कितना है 5 है, 5 का पावर कितना है 2 है, मतलब 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होने वाला है, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब ये क्या आएगा 5 दो बार है 5 × 5। देखिए आंसर आपको पता चल जाएगा 2 × 4 = 4 × 8 = 16 × 16 = 30, यहां पे 32 आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 25 आएगा, मतलब इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, फिर 2 × 5 = 5 ये नंबर बिगर है, कैसे 5 × 2 से ये नंबर बिगर है। इस तरीके से आपको शो करना है जो नंबर बड़ा है उसके तरफ आपको ये साइन ग्रेटर देन का साइन आपको बॉक्स में दिखाना है। और एक एग्जांपल लेते हैं 3 का पावर 4 है, मतलब 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हुई खुद से ही 3 × 3 = 9, देखिए दूसरा है 4 का पावर 3 मतलब 4 3 बार मल्टीप्लाई हुआ खुद से ही, आंसर आपके सामने आएगा, देखिए 3 × 9 9 × 27 and 27 = 81 होता है, यहाँ देखिए 4 × 16 = 64 होता है, मतलब 3 × 4 ये ग्रेटर है 4 × 3 से, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 × 4 इज ग्रेटर देन 4 × 3 से। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है ग्रेटर देन स्मॉलर देन, एक एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर भी दिया है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके देखिए तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में।